सो हाय गाइस, ये एक शॉर्ट वीडियो होगा। एक डिबेट टाइप का टॉपिक है। मैं इसका चेहरा हिडन रखा हूँ। कोई कमेंट किया था तो बोलता है कि ये आपने सही नहीं किया, हम आपको अच्छे समझते थे, फिश को मार रहे हो, कोई भी बर्ड्स एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए। अच्छा, वेरी बैड, ये आपसे उम्मीद नहीं थी। यू आर पेट लवर, यूट्यूबर, मैं भी सोशल। तो भाई, क्या कोई पेट लवर होने से वो पूरा वेजिटेरियन हो जाएगा, घास खाएगा? ऐसे बहुत सारे पेट लवर हैं जो नॉन वेजिटेरियन हैं, सब कुछ खाता है वो लोग। मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनिए मेरा फुल वीडियो। मेरे को बहुत जन बोलता है कि लाइव फीडिंग मत दो, ओके, ड्राई फूड्स खिलाओ अपने फिशेस को, जानी सेट। तो वो लोग मोस्टली वेजिटेरियन रहते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि लाइव फीडिंग मत दो, चिकन मत खिलाओ, श्रिम्प मत खिलाओ, फिशेस को तो खिलाओ ही मत, किसी का जान मत लो। तो उनके लिए मेरा एक मैसेज है, ओके। सो आपके घर पे फिशेस है, जो फिश फूड आप खिलाते हो, ऑप्टिमम हो गया, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आजू वगैरह, आप अभी वो पैकेट लेके आओ, डब्बा जो भी है, जो इंग्रेडिएंट्स पीछे यूज़ हुआ है आप एक बार पढ़ो। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द ड्राई फूड्स उस पे क्या क्या आइटम है, फिश पाउडर, श्रीम, क्रिल्स और भी क्या क्या, फिश ऑयल वगैरह। तो ये सब क्या मतलब, मिट्टी से आता है, आसमान से गिरता है? ये फैक्ट्री में प्रोसेस किया जाता है, इनको ड्राई करके, मतलब कितना गंदा गंदा प्रोसेस होता है फैक्ट्री में, ग्राइंड किया जाता है। लाइक जो सॉसेजेस बनते हैं हॉट डॉग्स में, उसमें पता है कितने सारे बेबी मेल चिक्स जो रहता है उनको ग्राइंड करके, पीसा करके बनाया जाता है। सेम गोज फॉर द फिश फूड। आप वो जो एक पेलेट्स खिलाते हैं ना, इतना छोटा का जो पेलेट्स रहता है उस पे 100 जाने रहते हैं, और बात करते हो फिश फूड खिलाओ, ड्राई आइटम्स खिलाओ, ये सब मत खिलाओ, क्या मतलब। तो गाइस, ये एक शॉर्ट मैसेज था, आप लोग को शायद पता चल गया होगा। जो अक्लमंद है वो समझ जाएगा, जो गधे हैं वो लोग वैसा क्वेश्चन करेगा। हर एक फिश फूड, जो भी ड्राई फूड है, सब में फिश का कुछ ना कुछ पार्ट्स रहता है, तो उसमें भी जाने हैं भाई। सो गाइस, जॉनी सेट, आई थिंक आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। उस तरह से कमेंट मत कीजिए किसी का भी चैनल पे, थोड़ा रिसर्च कीजिए, ठीक है, ये ड्राई फूड कैसे बनता है। सो लाइव फीडिंग इज़ गुड, बट आप ज़रूर क्वारंटाइन करके देना, जैसे मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ अभी मैं कैसे क्वारंटाइन पे रखता हूँ। ये मेरा क्वारंटाइन जगह है, मैं यहाँ सारे जो मेरा अरवाना भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटिव फिशेज बहुत सारे हैं, तो ये लोग यहाँ क्वारंटाइन पर रहता है एक दो दिन बाद। अभी तो मैं नहीं खिला रहा हूँ, बाद में मैं खिलाऊंगा। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड हैव अ नाइस डे। पीस।